जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टी10 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला DEF बनाम EFR के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स के यहाँ पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक तरह से कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों DEF से SU वाटी, शहबाज अली, अब्दुल्ला अजहर, बाबर गफ्फार, साकिब महमूद, सज्जाद मलूक, सलमान बाबर जो दोस्तों कैप्टन है DEF के, MY महावी, रोहित बंगदास, उमर डोगर एंड साउथ अफजल। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि DEF की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स EFR की प्लेइंग 11 की। यासिर कलीम, संदीप सिंह, साजाद आलम, वीवी संजाया, हजरत लुकमैन, हर्ष देसाई, तैमूर बाटी, हैरी वरवाल, सपनादीप सिंह, वैजान अवान एंड शहनवाज खान। दोस्तों आप ही प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि EFR की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 9 जून फ्राइडे को दोस्तों ये मुकाबला 12:30 पर ईडन गार्डन अजमन UAE में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स आगे पिच रिपोर्ट की। दोस्तों बॉलर्स के लिए पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। बात करें ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों EFR जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है EF टॉस जीत सकती है एंड पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, साना उलक को एज अ स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड उमर डोगर को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं खेला गया है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। पॉइंट टेबल की बात करूँ दोस्तों, EFR जो कि चौथे स्थान पर है, दो मुकाबले में से एक मुकाबला विन किया है। DEF जो कि दोस्तों सातवें स्थान पर है, एक मुकाबले में से एक भी मुकाबला विन किया नहीं है फ्रेंड्स। बात करें फैंटेसी टिप्स की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो। डेथ और वॉलीबॉल जो बॉलिंग कर रहे हैं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। विकेट कीपर में दोनों सही, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। पेसर्स का इस पिच पर ज़्यादा रहने वाला है। बात करें फ्रेंड्स विनिंग प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों EFR जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ DEF टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं, वो अभी EFR के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि EF के हैं, जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। अब्दुल्ला अजहर, बाबर गफ्फार, साकिब महमूद, सलमान बाबर, MY महावी, साउथ अफजल। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि DEF के मुख्य खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि EFR के हैं, जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। वीवी संजाया, हजरत लुकमैन, तैमूर वाटी, हैरी वरवाल एंड फैजान अवान। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि EFR के मुख्य खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि दोस्तों DEF की तरफ से रहे हैं, जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। SU वाटी, शहबाज अली, साकिब महमूद, सलमान बाबर एंड रोहित वंगास। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि DEF की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। बात करें वेस्ट परफॉर्मर जो कि EFR की तरफ से रहे हैं, यासिर कलीम, संदीप सिंह, साजाद आलम, बीवी संजाया एंड हजरत लुकमैन। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि EFR की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। बात करें वाइस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों बाबर गफ्फार को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो एंड सलमान बाबर को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बीवी संजाया एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो एंड हजरत लुकमैन एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ फिर, तो दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली न्यूज़ वीडियो एंड प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।